महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद पिछले 17 दिनों में बीजेपी और शिवसेना के बीच आई दरार आखिरकार खाई में बदल गई। ये खाई इतनी चौड़ी हुई कि 30 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। दोनों के गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन सीएम पद और सत्ता में बराबर की भागीदारी को लेकर बात ऐसी बिगड़ी कि 3 दशक पुराने रिश्ते तार तार हो गए और दोनों की राहें जुदा हो गईं। इस जुदाई के लिए शिवसेना बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। शिवसेना के साथ जो बातें तय हुई थी चुनाव से पहले, वो मानने को ही तैयार नहीं बीजेपी, तो कौन सा रिश्ता रहता है? राज्यपाल महोदय को जाकर कहा जाता है कि शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार है, इसलिए सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हमसे पूछा तक नहीं गया कि जो बातें तय हुई हम उस बारे में चर्चा करें, तो ये कौन सा रिश्ता रहा? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव देखने को मिला हो। 30 साल की उनकी दोस्ती के इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों की शुरुआत 1989 लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। बाल ठाकरे की अगुवाई में दोनों ने पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर गठबंधन किया था। तब राज्य में बीजेपी का कोई आधार नहीं था और वो शिवसेना पर निर्भर थी। वहीं शिवसेना कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि का फायदा उठाना चाहती थी। बीजेपी ने राज्य का जिम्मा प्रमोद महाजन को दिया था, जिनके बाल ठाकरे से अच्छे संबंध थे। शिवसेना और बीजेपी का अलायंस होने के खिलाफ थे ये लोग, जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे उस वक्त के, खुद वाजपेयी इसके विरोध में थे। महाराष्ट्र के बीजेपी के बहुत सारे नेता शिवसेना के साथ अलायंस करने के खिलाफ में थे, लेकिन ये प्रमोद महाजन, बालासाहेब ठाकरे और इनकी जो मित्रता थी, अच्छे संबंध थे, उसके कारण ये अलायंस बना है। राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना से ज्यादा सीटों पर लड़ी। हालांकि राज्य में शिवसेना ही बड़े भाई की भूमिका में रही और 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। चुनाव में शिवसेना को 52 और बीजेपी को 42 सीटें मिली। दोनों पार्टियों के बहुमत के आंकड़े से कम रहने के बाद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा और शिवसेना के मनोहर जोशी नेता विपक्ष बने। 1995 के विधानसभा चुनाव, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों की पृष्ठभूमि में हुए। इस माहौल में बीजेपी और शिवसेना ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे और शिवसेना को 73 और बीजेपी को 65 सीटें मिली। बाल ठाकरे के फॉर्मूले के मुताबिक ज्यादा सीटें जीतने वाले सहयोगी को मुख्यमंत्री का पद मिला और शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन नीतियों को लेकर दोनों में लगातार लड़ाई होती रही। 1996 में रमेश किनी केस में शिवसेना के उभरते सितारे राज ठाकरे का नाम सामने आने के बाद गठबंधन में और दरार आ गई। दोनों का जो कार्य की जो पद्धति है, काम करने का जो तरीका है दोनों पार्टियों का, वो बिल्कुल अलग है। शिवसेना एक, जैसे कहिए, एक मास पार्टी है। बीजेपी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें विचारधारा का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। शिवसेना का वैसा नहीं है, वो आम आदमी को सामने रखते हुए अपनी राजनीति ज्यादा वो करने वाले लोग हैं, तो इसीलिए वैसे भी इनका अलायंस एक तरह से शुरू से ही साइंटिफिक नहीं रहा है। रिश्तों में इसी तनाव के बीच बीजेपी और शिवसेना 1999 के विधानसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की ताकि खुद ज्यादा सीटें जीतकर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकें। नतीजों में शिवसेना को 69 और बीजेपी को 56 सीटें मिली। शिवसेना को भरोसा था कि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीजेपी और शिवसेना में 23 दिनों तक बातचीत चली, जो असफल रही और उन्हें विपक्ष